नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लास में नितेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कंजक्शन की जिनके यूज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम एंड एंड और, इन दोनों का यूज़, इनका मीनिंग और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही सिंपल और ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में नितेश पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि आगे आने वाली हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंड के यूज़ के बारे में। एंड का आपको हिंदी मीनिंग पता ही है, और होता है। इसका सिंपल है, आपको कंफ्यूज होता है और के मीनिंग पर, तो इसको हम फटाफट से पहले कवर कर लेते हैं। एंड का मतलब और होता है और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैन रूल द वर्ल्ड एंड वुमेन रूल मैन। पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और महिलाएं पुरुषों पर राज करती है। बहुत ही शानदार वाक्य लिया है मैंने आपके लिए, जो पुरुष हैं वो दुनिया पर राज करते हैं और महिलाएं उन पर राज करती है। तो यहाँ पर बीच में और का यूज़ हो रहा है एज अ कंजक्शन, और आपको मैंने बताया ये है कि एंड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो और होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिवाइड एंड रूल आर देयर पॉलिसी। फूट डालो और राज करो की नीति उनकी थी। तो ये भी सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैंने आपको एंड का यूज़ सिंपली बता दिया है। वैसे बहुत सी चीज़ें होती है एंड के अंदर जो ध्यान में रखनी होती है, पर सिंपल सी बात है कि और इसका मीनिंग निकल के आता है लास्ट में जाकर। तो क्या मतलब आ रहा है इतनी चीज़ों को रट के, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए बस। चलिए अब हम देख लेते हैं और का यूज़। और का हिंदी मीनिंग होता है या, और इसका हम यूज़ किस तरह से करते हैं वो जान लेते हैं। और इज़ अ यूज टू शो अ चॉइस। और का हम यूज़ करते हैं क्या दर्शाने के लिए, चॉइस दर्शाने के लिए। चॉइस हम कब करते हैं, जब हमको चुनना होता है कोई चीज़ों में से, हमको कोई चीज़ चुननी होती है। कुछ चीज़ों में से हमको अगर कोई चीज़ चुननी है तो वहाँ पर हम और का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमको चाय या कॉफ़ी में से कोई एक चीज़ चुननी है तो हम वहाँ पर भी और का यूज़ करेंगे। बाय एग्जांपल इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, यू कैन हैव अ टी और कॉफ़ी। आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, यानी कि आप चाय या कॉफ़ी में से कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, चॉइस कीजिए, आपकी पसंद पूछी जा रही है। You can work hard or you can fail। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं या आप असफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है, दो चीज़ें बता दी, अब आपकी इच्छा है कि आप इन दोनों में से क्या करना चाहते हैं। चलिए दो और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से और के। Are you joking or what? आप मजाक कर रहे हैं या क्या? तो यहाँ पर भी दो चीज़ें बताई जा रही, आप मजाक कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। Ripe mangoes are usually red or yellow। पके हुए आम आमतौर पर लाल या पीले होते हैं। जो पके हुए आम है वो usually क्या होते हैं, लाल या पीले होते हैं। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि लाल होते हैं या पीले होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर चॉइस बताई जा रही है या फिर चीज़ को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एंड का यूज़ तो हम और के लिए करते हैं और का यूज़ हम या के अर्थ में करते हैं। ये तो मीनिंग हो गया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही है कि एंड का यूज़ तो हम और, यानी कि हिंदी में जो और लिखा होता है उसके लिए करते हैं, और जो हमारा ओ आर और है उसका हम यूज़ करते हैं चॉइस या फिर हम किसी से कुछ चीज़ पूछते हैं दो चीज़ों में से, तो वहाँ पर भी हम और का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बाय।